G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का भारत आने का सिलसिला जारी है। विदेशी मेहमानों का स्वागत पूरे जोर शोर से हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन मुस्तैद है। मेहमानों के आदर सत्कार और ठहरने की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। G20 कोशिश है दुनिया के सामने उबरते भारत की तस्वीर पेश करने की। इसके लिए हर तरह से भारत का कद ऊंचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है ये दिखाने की कि ये आज का भारत है जो किसी भी मायने में किसी से भी कम नहीं है, चाहे फिर बात हो इकोनॉमी की या फिर टेक्नोलॉजी की। बीते सालों में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर भारतीय के कद को बढ़ाया है और जीवन को आसान किया है। हमारा बैंकिंग पेमेंट मोड कई विकसित देशों से भी एडवांस है। आज हर भारतीय को एक क्लिक पर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे के लेन देन की सुविधा उपलब्ध है। इस डिजिटल भारत की एक झलक विदेश से आने वाले मेहमानों के सामने भी पेश की जाएगी। सरकार की ओर से लगभग 1000 विदेशी प्रतिनिधियों को UPI के बारे में जानकारी देने का प्लान किया जा रहा है। क्या है ये प्लान, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सभी मेहमानों को UPI से लेन देन करने के लिए उनके UPI वॉलेट में 1000 रुपए तक डाले जाएंगे। इसके लिए तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। सरकार सभी संभावित डेलीगेट्स का वॉलेट भी बनवा रही है। मेहमानों को UPI के इस्तेमाल के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। समिट वेन्यू पर मेहमानों के लिए शॉपिंग स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां भारत के अलग अलग राज्यों और उनकी परंपराओं को दिखाने वाले हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स रखे गए हैं। इनमें खादी भी शामिल है। अगर कोई विदेशी मेहमान इनमें से किसी चीज को खरीदना चाहता है तो ये UPI वॉलेट उनकी मदद करेगा। इसका इस्तेमाल करके वो सामान खरीद कर सुविनियर्स के तौर पर अपने देश भी ले जा पाएंगे।